गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग ने कबीरदास जी का पढ़े थे, कवि परिचय पढ़ा था। उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि उनकी साखी और शब्द में उन्होंने बात बताई है कि इंसान को कैसे रहना है। चार पैराग्राफ जिन हम लोग का चार पद्यांश का अर्थ बता दिया गया था। आज हम लोग फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ है आपका हिंदु मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कभी सो जीवता जो दोहों के नकटी न जाए। इसमें क्या बताया जा रहा है, मुआ मिस होता है मर गया, जो इंसान होता है वो क्या बता रहा है, परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धर्मों के बंधन में पड़ा रहता है। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो इंसान है मानव है वो क्या कर रहा है, वो परमात्मा के रहस्य को नहीं जानना चाह रहा है कि उसका रहस्य क्या है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो धर्मों में पड़ा है। क्या हिंदू है मुसलमान है यही सब ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं बंधनों में पड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या परमात्मा को नहीं जान रहे हैं कि वहां एक है बस, और स्वयं को परमात्मा के नाम से दूर कर लेते हैं। इन सब झगड़ों से वो क्या करते हैं, अपने को दूर कर लेते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या क्या हो जाएगी पीयूष कुमार? यस मैम। इसकी पहली वाली क्लास किए थे कबीरदास जी वाली? मैम कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट चैप्टर काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है ये। देखो उस दिन तुम नहीं आए थे, तो काव्य खंड का क्षितिज का काव्य खंड का कबीरदास जी वाला जो चैप्टर है उसको हमने पढ़ाया था। कवि परिचय बताए थे, ठीक है, उनका जीवन परिचय जो था। दूसरी बात, उन्होंने साक्ष्य शब्द की रचना की जिसमें साखी का भी हमने चार पद्यांश का अर्थ बता दिया है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला आज बता रहे हैं। समझ रहे हो इतनी चीज? यस मैम। ठीक है, जो चार है वो यूट्यूब पर है ना, उसको देख लेना। फिर उसके बाद आप बुक लिए हो? नो, अभी नहीं है। ये लो तभी समझ में आएगा ना, ये सब कैसे समझोगे, और नाइन्थ में भी हो, ये सब अब पढ़ने वाली चीज नहीं, हमने पढ़ लिया वो जान गए हम। तो उसके बाद है आपका, अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। कबीर कहते हैं हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह शब्दों का दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। इसमें क्या बताया जा रहा है, झगड़े की बात की जा रही है। किसके झगड़े की बात की जा रही है, धर्म के बारे में। ठीक है, कहा जा रहा नहीं ये हिंदू है हम मुसलमान है, इन्हीं सब का और जो हमारे खुदा है जो हमारे ईश्वर है भगवान है यही है, वो उनको ईश्वर के लिए को झगड़ा करता है और वो अपने धर्म को लेके झगड़ा करता है। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों को फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्य को समझता है, मतलब कि जो सही है ठीक है उसकी बात को सिर्फ समझता है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है, मतलब कि जो हर सभी के प्राणी के हृदय में जो बस रहा है मस्तिष्क जो अंदर है राम, वही राम है वही खुदा है। कबीर क्या कहते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके अंदर व्याप्त धार्मिक विद्वेष से युक्त होकर राम और खुदा के नाम पर
लड़ने वालों को वे सच्चा मानव नहीं मानते। कबीर जी क्या कहते हैं कि जो इन सब चीजों में झगड़ा करते हैं वो क्या है, वो सच्चे इंसान नहीं है, ना भगवान उन्हें प्यार करते हैं ना उन्हें मानते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका सिक्स लास्ट है ये साखी का, नहीं सिक्स है ये लास्ट नहीं एक और है। कावा फिरे काशी भया रमही भया रही मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इसमें कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा है वो घट घट में समाया है। यहाँ पे क्या बात की जा रही, इसका क्या हो रहा है, कावा फिर काशी भया रमही भया रही मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इसमें बताया जा रहा है कबीर कहते हैं कि परमात्मा खट खट में समाया हुआ है, ठीक है, ना तो वह किसी विशेष तीर्थ स्थान पर है और ना ही किसी विशेष नाम से जाना जाता है, उसका कोई वास्तविक स्थान नहीं है, ठीक है, और ना ही उसका कोई नाम है। उसे मन की भावना और भक्ति के भाव से स्मरण करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किससे हमें परमात्मा हमें मिलेगा, अगर हम भाव मन की जो भावना हमारे अंदर है और भक्ति के भाव, हमारा मन अगर अच्छा है, हम सही में प्राप्त करना चाहते हैं तो हम स्मरण मतलब याद रखना याद करना, तो हमें क्या होगा, हमें ईश्वर मिल जाएगा। कबीर कहते हैं चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के, वह वास्तव में एक ही है। राम और रहीम क्या है, एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें क्या है, कोई भी भेद नहीं है, वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण चाहे उसे अलग अलग मानता रहे, मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। जो मोटा आटा होता है वो किसमें बदलता है, किसमें उसका रूप हो जाता है, मैदा में। क्या उन दोनों में कोई मौलिक भेद है, नहीं। हे मानव तो उन्हें बैठ कर बिना किसी भेदभाव के खा और अपना पेट भर। क्या कहा जा रहा है, ये मत सोचो कि यह मैदा है या ये आटा है, हमें बिना भेदभाव करना है कि ये हमें खाना खाना है। तो इसी तरह कह रहा है कि ना हमें रहीम को जानना है ना राम को, ये दोनों एक ही हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं करना है। क्लियर है इतना। भाव यह है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, जो परमात्मा है उसे कहीं भी तुम ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, पर वास्तव में क्या है, एक ही है। क्लियर हुआ है की चीज, ठीक। फिर है नेक्स्ट आपका लास्ट, साखी का लास्ट है आपका
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचना कोई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। क्या अर्थ कहने का है? कवि जो है वो कहते हैं, सज्जन और दुर्जन की संगति के परिणामों का वर्णन किया है। मतलब किसका वर्णन किया है उन्होंने, कवि ने, सज्जन और दुर्जनों की संगति, जो सज्जन व्यक्ति जो सही व्यक्ति हैं और जो दुर्जन हैं उनका क्या किया है, उनकी संगति का उन्होंने क्या किया, उनकी संगति के परिणामों का वर्णन किया है। अच्छे काम करने की प्रेरणा दी गई, इसमें कैसे काम करने की प्रेरणा दी गई है, अच्छे कार्य करो। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी, इस साखी में कवि कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का भी कोई लाभ नहीं। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है कि इस साखी के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि ऊंचे वंश मतलब जो ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी क्या है, कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे ऊंचे नहीं है, यदि हमारे जो कर्म ही ऊंचे नहीं है, हम चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म ले ले, अगर हम ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, हमारे काम निम्न है, नीच जाति के हैं और कोई काम का मतलब नहीं है, तो क्या हम ऊंचे कुल के कहलाएंगे, बोलो, नहीं कहलाएंगे ना। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि यदि हमारे काम ऊंचे नहीं है, क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी भी निंदा ही करते हैं। सज्जन मीन्स होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, तो सज्जन उसकी भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? पीयूष कुमार, समझ में आ रही बात बेटा? इसमें क्या समझा गया है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हैं, जो नीचे कुल में, उनका अंतर बताया गया है यहाँ पे। दूसरी बात, कबीर ने उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जो अवगुणों से भरा हो। कभी भी उसको ऊंचा नहीं मानता है वे कबीर जो अवगुण जिसके अंदर भरे हों। कोई भी व्यक्ति केवल ऊंचे परिवार में जन्म लेने से महान नहीं बनता। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले सब कर्मों, अपने सद्गुणों से महान बन जाता है। इस साखी का मूल मतलब आशय है कि व्यक्ति कर्म से आदरणीय बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से मात्र नहीं। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक था आपका साखी का। साखी में आपके सात पद्यांश दिए गए हैं आपको, जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जानते हो पीयूष कुमार इसको करना? यस मैम। संदर्भ प्रसंग व्याख्या जानते हो ना कैसे करते हैं हम लोग? यस मैम। किए थे क्लास 8 में, किए हो ना? तो जैसे ऐसे लिखा रहता है तो हम संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां क्षितिज के काव्य खंड से पाठ कबीर दास द्वारा रचित है, इसके कवि कवि कबीर दास जी हैं, ये लिख लेना संदर्भ में। समझ रहे हो? यस मैम।
और प्रसंग में उसका क्या कहने का अर्थ है, इसका क्या अर्थ निकल रहा उसको लिखना, और व्याख्या में आपका क्या हो जाएगा उस पूरे लाइन का अर्थ। इतनी चीज समझ में आ गई? बोलो। यस मैम आ गया। ये बताओ लिखवाना पड़ेगा कि कर लोगे तुम इस साथ होता है? मैं इसको हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलो पीयूष। यस मैम। हाँ तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या साक्षी का जो साथ है उसका पूरा लिख लेना, नहीं मिलता या नहीं समझ में आता तो हमसे बोलना, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये तो साक्षी का था, अब हम लोग चलते हैं शब्द की ओर, ठीक है। शब्द में आपका दो दिया गया है, शब्द पद में क्या दिया गया है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुझसे मिली हूँ, पल भर की तलाश में, काहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ बताया जरा भगवान। देखो संदर्भ में हम तुमको एग्जांपल दे रहे कैसे लिखोगे, इसी का बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में संकलित शब्द से लिया गया है, जिसके संत कबीर ने रचा है। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखोगे, कवि का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है, उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया आपका प्रसंग। अब व्याख्या क्या है, परमात्मा का कहना है कि हे मानव तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। यहाँ पे परमात्मा क्या कहते हैं कि मानव तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे, अरे मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा से हूँ, ना तो मैं परमात्मा मंदिर में रहता हूँ, मैं का मतलब यहाँ पे किससे है, परमात्मा से। वो क्या कह रहे, ना मैं मंदिर में रहता हूँ और ना ही मस्जिद में, मेरा निवास स्थान काबा और कैलाश पर्वत भी नहीं है। वो क्या बता रहे हैं कि जो मेरा निवास स्थान है ना मेरा काबा में है और ना मेरा कैलाश में है। किसी प्रकार के कर्म कांड करके मुझे नहीं पाया जा सकता। क्या बताया जा रहा आगे कि मुझे किसी भी तरीके का काम करके मुझे हासिल नहीं कर सकते हो, योगी बनकर या बैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है। मतलब हमेशा ये नहीं कि तुम योगी बन जाओ बैरागी बन जाओ, उससे क्या है उनका खोजना व्यर्थ है। यदि सच्चा खोजने वाला हो तो मैं उसे एक पल में खोजने पर ही मिल जाता हूँ। यहाँ का समझ में आया पीयूष? क्या कहा जा रहा है कि ये क्या कहते हैं परमात्मा कि ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ ना काबा में हूँ ना कैलाश में, मैं कहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारे अंदर। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो क्या करो, तुम मुझे पाना चाहते हो तो हाँ क्या, हाँ तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, और जब तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें एक पल में ही मिल जाऊंगा, ठीक। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, परमात्मा को प्रत्येक मानव के संग में क्या होते हो कबीर क्या कहते हैं,
कबीर कहते हैं कि पापा ही थे। हाँ तो क्या कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि, कबीर कहते हैं कि ए पापुओ परमात्मा को प्रत्येक मानव की सांस में विद्यमान रहता है, उसे उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। क्या बताया जा रहा है, कबीर क्या कहते हैं कि हे साधुओं, जो संत लोग होते हैं, कहते हैं कि परमात्मा तो प्रत्येक मानव के सांस में, जो हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, इसमें ही परमात्मा है, तो प्रत्येक मानव की सांस में विद्यमान रहता है, उसे कहीं बाहर खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। भाव क्या कह रहा है कि परमात्मा को सच्चे मन और भक्ति से अपने भीतर ही पाया जा सकता है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद तो मात आडंबर है, मात बस एक सहारा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। यस मैम। ईश्वर को सच्चा खोजी व्यक्ति, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर को सच्चा खोजी व्यक्ति क्षण भर की तलाश में ढूंढ सकता है, यह सभी व्यक्तियों के अंदर सांस के रूप में विद्यमान रहता है, ठीक। इस पद में कबीर क्या कहना चाहते हैं, इसमें पद में कबीर कहना चाहते हैं कि निराकार परमात्मा स्वर व्यापी है, वह मंदिर मस्जिद या किसी तीर्थ में नहीं, उसे पूजा पाठ या बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे प्रभु की सच्ची खोज है, वह उसे अपने भीतर ही खोज लेता है, क्योंकि वह प्राण बनकर सब में समाया हुआ है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, बोलो। पीयूष कुमार समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? Yes, अब नेक्स्ट है सेकंड। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिते चित की देव खूनी गिरानी, मोहा बलेंडा टूटा, त्रिशन छानी परी घर उकरी, कुबद्धि भांडा फूटा, जोग जगती करी संतो बांधी, बिरुच चुवे न प्राणी, पूर्ण कपट काया का निकसाया, हरी की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरी झन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदती भय सम सम छीना।
इसमें क्या बताया जा रहा है? इस पद में रहस्यात्मक व तत्कालीन परिस्थितियों की सुंदर अभिव्यक्ति हो पाई है। यह पद कबीर की दार्शनिक मान्यताओं की प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान के प्रभाव से अज्ञान और भ्रम रूपी छप्पड़ उड़ जाता है और जीवात्मा की तृष्णा मिट जाती है। इसमें क्या बता रहे कबीर, इसकी व्याख्या सुन लो। हे भाई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, इससे भ्रम रूपी छप्पड़ उड़ गया। ये क्या बताया जा रहा है कि मेरे हृदय में क्या है, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है। आंधी चलती ना खूब तेज, तो इसमें कैसी आंधी चल रही है, ज्ञान रूपी। इससे भ्रम रूपी छप्पड़, जो छत के ऊपर छप्पड़ लगा रहता है, उड़ गया है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई है। मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं। वो क्या बता रहे कबीर जी यहाँ पे, जो हमारे मन में क्या थे, कैसे थे, जो भ्रम रूपी खंभे थे, वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, जिन पर यह टिका हुआ था। इस छप्पर का आधारभूत मुंह रूपी खंभा भी टूट गया है और तृष्णा रूपी ज्ञान छान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। खूब बुद्धि का घड़ा फूट गया है, अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कबीर जी, यहाँ पे कह रहे हैं, हे मानव, जो मेरे अंदर भ्रम रूपी छप्पर था, खंभे थे जिसके ऊपर मैं टिका था, वो अब गिर गए हैं, गिरकर टूट गए हैं। अब हमारे मन में क्या है, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है, ठीक है, और अज्ञान जो है, अज्ञान, ज्ञान रूपी जब आंधी आ गई हमारे अंदर, तो अज्ञान तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान और विषय वासना जैसा जो जीवन में चल रहा था, वह उसका कोई भी स्थान नहीं रहा। शरीर कपट से रहित हो गया। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिससे भक्त जन प्रभु के रस में भीग गए हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसके मन में जो कपट था, अज्ञान था, और जिस चीज की भी विषय वासना थी, वो सब चीजें खत्म हो गई, हट गई हैं। अब उसके अंदर क्या बचा रह गया है, ज्ञान रूपी आंधी, और क्या बचा, और ज्ञान की आंधी के पश्चात, ज्ञान की आंधी तो आई, उसे ज्ञान हो गया है कि वास्तव में हमें करना क्या है, और इसके आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम, जो भगवान का प्रेम है, अनुग्रह की वर्षा होने लगी है, जिससे भक्त जन प्रभु के रस में भीग रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय की अज्ञान का अंधकार छेड़ हो गया, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया। अभी तक किसका अंधेरा था, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था, अब किससे हो गया उजाला, ज्ञान से और परमात्मा की भक्ति से पूरे संपूर्ण का क्या हो गया है, उजाला। पद में क्या कहा गया, इस पद में क्या कहने का अर्थ है कि अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान के उदय होने का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया है। मोह माया की समाप्ति को छप्पर के टूटने से, संयम नियम को योग युक्ति द्वारा तथा भक्ति के आनंद को वर्षा जल द्वारा प्रकट किया गया है। कवि के भावों में आवेग, गति तथा जोश है। ज्ञान की आंधी, भक्ति की वर्षा, फिर ज्ञान का सूर्य आदि के प्रयोग मन को हरते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, इन किन सब चीजों से छुटकारा मिल गया है, हृदय में जो उदय होने वाले भ्रम थे, अज्ञान था, माया थी, मोह था,
ये सबसे क्या हो गया, हमें छुटकारा मिल गया। अब हम क्या हो गए, ज्ञान रूपी हमारे अंदर आंधी आई है और हमें ज्ञान हो गया। इतनी चीज समझ में आई पीयूष? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये साखी का 7 पद है आपको, सबद का 2 पद, ठीक है, टोटल 9 पद है। 9 पद का अर्थ लिखना है आपको, हम समझा दिए। नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे जाइएगा, जो हमने अर्थ बताया उसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। संदर्भ प्रसंग जानते हो, व्याख्या उसकी कर लेना। क्लियर है इतनी चीज? बतानी तो नहीं पड़ेगी, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा ना ये चीजें। अब बचा का प्रश्न उत्तर, ठीक है, ये शायद हमने करवाया नहीं करवाया है, यूट्यूब पे है, देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो अगर कहोगे तो हम तुम्हारा करवा देंगे, प्रश्न उत्तर बाकी है, ठीक है। Yes, ma'am. और कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में? No, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास भी तुम्हारी होगी इंग्लिश की, ठीक है। सुन रहे हो ना पीयूष? 12:40 से होती है आपकी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको पूछिए, ठीक है। गद्य खंड, काव्य खंड में, कृतिका में जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसे, ठीक है। और कुछ पूछना है? नो। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू।